स्वादंतर माला में आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं और बनाते हैं पालक पनीर एक सरल तरीके से। पालक पनीर बनाने के लिए हमने पनीर लिया है 200 ग्राम कटा हुआ, 500 ग्राम हमने पालक ब्लेंच करके और पीस के लिया है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ, थोड़ा सा बटर डालूंगी, उसको गर्म होने दूंगी और इसके अंदर अब डालूंगी ये जीरा, साबुत जीरा जो लिया है वो डाल रही हूँ और कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ, अदरक भी डाल रही हूँ और मैं इसके बाद इसको एक बार स्टेयर करूँगी, अच्छी तरह से हिलाऊंगी। ये कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्ची भी इसमें डाल, प्याज और लहसुन थोड़ा भुन गया है, इसको हम बहुत तेज़ गुलाबी नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैं ये टमाटो प्योरी जो दो टमाटर की इसको मैं डाल दूँगी। अब मैं बचे हुए मसाले भी इसमें डालूँगी, हल्दी पाउडर डाल दूँगी, गरम मसाला जो लिया है ये मैं सभी कुछ इसमें डाल दूँगी। दूँगी कि हमारा मसाला भुन गया है, अब मैं इसके अंदर पालक को ऐड करूँगी। पालक मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने पीस करके रखा है। पानी को उबालते हैं और जब पानी में उबाल आ जाता है तो उसमें पालक डाल के 1-1.5 मिनट रख के और निकाल लेते हैं और उसके बाद उस पर ठंडा पानी डालते हैं, इससे पालक का कलर बिल्कुल हरा रहता है। तो इस तरह से हमने उबाल के और पीस के रखा है। इसमें पानी डाल दूंगी, एक ढक रही हूँ और 2 मिनट पकने दूंगी। देखूंगी कि हमारा पालक पक गया है, अब इसमें मैं पनीर भी डाल दूंगी। गैस को मैं मीडियम कर दूंगी और इसको एक बार हिला के फिर 2 मिनट में इसको ढक दूंगी। ये बन गया, हमारा पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप कभी भी बनाएं और खाएं, रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग इसको बनाएं, खाएं और कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।